बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सबका बहुत शुक्रिया। बहुत देर बाद हमारा इंटरेक्शन हो रहा है। आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी मीटिंग बुलाया गया और मैं आपको अपना सीसी का इजलास का जो हाइब्रिड इजलास था, और हमारा मुल्क भर के नुमाइंदे जो है ज़्यादातर ऑनलाइन से उस पर शरीक थे। तो आई जस्ट वॉन्ट टू गो थ्रू हमारा सीसी का मीटिंग के जो फैसले हैं, जो स्टेटमेंट्स हैं, आपके सामने, मुल्क के सामने रखना चाहूँगा। सबसे पहले जो आज कराची में दहशतगर्दी का वाकया हुआ, हमारा सीसी के इजलास का इब्तिदा इसी वाकया के बारे में हुआ था, और चीफ मिनिस्टर सिंध मुराद अली शाह साहब ने सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी मीटिंग को इस दहशतगर्दी की वाकया के बारे में ब्रीफ भी किया, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने इस दहशतगर्दी का के वाकया को कंडेम भी किया है। वी हैव कंडेम्ड इट इन द स्ट्रॉन्गेस्ट पॉसिबल वर्ड्स। हम समझते हैं कि ये दहशतगर्दी का वाकया पाकिस्तान के वफाक पे हमला है। ये दहशतगर्दी के वाकया पाकिस्तान का इंटरनेशनल स्टैंडिंग पे हमला है, और जैसे कभी कभार दहशतगर्दी के वाकये मज़हब के नाम पे किए जाते हैं, ये दहशतगर्दी के वाकये हमारे बलोच बहन भाइयों के हकूक़ के नाम पे किए जा रहे हैं, जबकि ये दहशतगर्दी का वाकया सबसे बड़ा हमला है हमारा बलोच बहन भाइयों की तरक्की की, हमारे बलोच बहन भाइयों की एक मुआशी तरक्की की, उनके हकूक़ की तरक्की की। और जहाँ जहाँ दहशतगर्दी इस्तेमाल किया जाता है, जहाँ जहाँ इस किस्म का हमला होता है, तो पूरा मुल्क नज़र आएगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उन दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ आवाज़ भी उठाएंगे। हमें ये तो सिखाया गया है, इस्लाम ने हमें ये सिखाया गया है कि इल्म हासिल करना पड़े तो इल्म हासिल करने के लिए हमें कहा जाता है कि चीन जाना पड़े तो चीन जाए। यहाँ हमने कराची में अपने नौजवानों के लिए तालीम हासिल करवाने के लिए, यहाँ बाहर के मुल्क से लोग आए हैं हमें सिखाने के लिए, ताकि हम स्किल्स हासिल कर सकें, ताकि हमारे नौजवान स्किल्स हासिल कर सके, ताकि वो अपने लिए रोजगार हासिल कर सके, ताकि वो अपने बच्चे के लिए एक रोशन मुस्तकबिल, एक नया मुस्तकबिल के बंदोबस्त कर सके। ये किस मुंह से कह सकते हैं कि दहशतगर्दी की वाकया से दहशतगर्दी करके हमारे नौजवानों को बॉम्ब में तब्दील करके वो उनके हकूक का तहफ्फुज़ करेंगे? पाकिस्तान के अवाम को अपने हकूक मिलेंगे, वो हमें पता है कि कैसे हमने अपना हक छीनना है, और हमने पाकिस्तान की इब्तिदा से लेके आज तक पुरअमन तरीके से, जमहूरी तरीके से अपने हकूक हासिल किए हैं। ये साजिश है पाकिस्तान की तरक्की के खिलाफ, पाकिस्तान की अमन के खिलाफ, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसको बर्दाश्त नहीं करेगी, पाकिस्तान की रियासत इसको बर्दाश्त नहीं करेगी, हमारा यूनिटी हुकूमत इसको बर्दाश्त नहीं करेगी, और भरपूर तरीके से इसका हर फोरम से, हर सतह पे जवाब ज़रूर मिलेगा। मैं ख़ास तौर पे अपने बलोच नौजवानों से मुखातिब होकर कहना चाह रहा हूँ कि हम जानते हैं मुल्क भर में पाकिस्तान के अवाम के इशूज़ हैं, हम जानते हैं आपके भी इशूज़ हैं, हम जानते हैं आप तकलीफ में हैं, हम जानते हैं कि आप में से काफी लोग नाराज हैं, जोश में हैं, जज्बा में हैं, लेकिन हम समझते हैं कि पुरअमन तरीका अपना से, पुरअमन जदोजहद करके आप अपने हकूक हासिल कर सकते हैं, और हम किसी दहशतगर्द को अपना एजेंडा को पे अमल करते हुए हमारे नौजवानों को, हमारे बलोच बहन भाइयों को नुकसान नहीं पहुंचाने देंगे। मैं उम्मीद रखता हूं, मैं जानता हूं कि जहां तक सिंध हुकूमत है, जहां के यहां का लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज है, जहां के यहां का सिंध में जो रेंजर्स का किरदार है, वो मिलके भरपूर तरीके पे इस पे अमल करेंगे, और उनको सही जवाब भी मिलेगा। लेकिन हमें पाकिस्तान में, पाकिस्तान की तरक्की के लिए जो नया दौर शुरू हुआ है,
جس انداز سے ہم جمہوریت کی طرف بھر رہے ہیں، ہم سمجھ دیں کہ پاکستان کے ہر مسائل کا حل جمہوریت میں ہے، جتنا جمہوریت ہوگا اتنا ہی زیادہ ہم ان مسائل کے حل نکال سکیں گے، اور انشاءاللہ تعالی ہم سب مل کے ملک کو اس بحران سے ضرور نکالیں گے۔ جہاں تک اوور آل سیاسی صورتحال ہے، جہاں تک سلیکٹڈ نظام کے خلاف ہمارا جمہوری پرامن جدوجہد ہے، اس کے حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی نے پورا ملک کو، پاکستان کے عوام کو مبارکباد دیا ہے کہ پاکستان کے عوام کا جمہوری جدوجہد کے نتیجے میں، پرامن احتجاج کے نتیجے میں ہم نے تاریخ رقم کیا ہے، اور پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار نہ صرف عدم اعتماد پیش ہوا، پیش تو ہوا ہے پہلے، نہ صرف ہم نے عدم اعتماد کو پیش کیا ہے مگر تاریخ میں کی پہلی بار جمہوری عدم اعتماد کامیاب بھی ہوا ہے۔ اور اس پورا سلسلہ کی خوبصورتی یہ ہے کہ ایک غیر جمہوری شخص جو اس ملک پہ ہم سب پہ مسلط کیا گیا تھا، ہم نے جمہوری ہتھیار اپنا کے، عدم اعتماد کا ہتھیار اپنا کے اس سلیکٹڈ شخص کو گھر بیچ دیا ہے۔ یہ ایک پولیٹیکل میریکل ہے، یہ ایک تاریخی سیاسی کامیابی ہے، اور جہاں ہم ملک بھر کے پاکستانیوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، میں خاص طور پہ بحیثیت پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین، پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالوں کو، پاکستان پیپلز پارٹی کے ورکر کو سلام پیش کرتا ہوں، جن کا کنسسٹنٹ 4 سال کا جد و جہد کے نتیجے میں، جن کا کنسسٹنٹ پوزیشن کہ ہم نے احتجاج کرنا ہے، ہم نے سڑکوں پہ احتجاج کرنا ہے، اور ساتھ ساتھ ہم نے پارلیمان میں پارلیمانی ٹولز استعمال کر کے اس سلیکٹڈ نظام کے خلاف اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ تو اس اسٹریٹجی کا، اس محنت کا جو کامیابی ہے، اس کے بارے میں میں پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالوں کو سلام پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جب بھی اس ملک میں آمریت مسلط ہوا ہے، جب بھی اس ملک میں غیر جمہوری قوتے ہم پہ مسلط کیا گیا ہے، تو یہی جیالو نے صفحے اول کا کردار ادا کر کے جنرل ضیاء الحق کا نظام کا مقابلہ کیا، جنرل مشرف کا نظام کا مقابلہ کیا، اور اس سلیکٹڈ نظام کا مقابلہ کر کے عوام کو نجات دلایا ہے۔ یہ بہت ہی بڑی کامیابی ہے، یہ پاکستان کی تاریخ میں ہم نے دیکھا ہے کہ جب بھی کسی حکومت کا، کسی وزیر اعظم کے خلاف قدم اٹھایا جاتا ہے، تو پاکستان کی تاریخ غیر جمہوری طریقے سے بھرے ہوئے ہیں، اور ہم نے یہ اگزامپل سیٹ کر کے انشاءاللہ تعالی ایک نئے ریکارڈ حاصل کیا ہے، جو آگے جا کے نیا پریسیڈنٹ سیٹ کرے گا کہ جب بھی نئے حکومتیں آئیں گے، ان کا اگر چیلنج ہوگا، ان کا جمہوری چیلنج ہوگا، اگر ان کو چیلنج ہوگا جمہوری طریقہ کار سے چیلنج کیا جائے گا، اور غیر جمہوری طریقہ کار سے چیلنج نہیں ہوگا۔ ساتھ ساتھ ہم نے تو اپنا کامیابی حاصل کیا ہے، بٹ پاکستان ہیز سین اے ہسٹری جہاں ہمارا آئین کو توڑا گیا ہے، جہاں ہمارا آئین کو ایک کاغذ سمجھ کے پھاڑا گیا ہے، اور اگر ہم ان چیزیں کو اگنور کریں گے، اگر ہم ان چیزیں کو بھول جائیں گے، تو آگے جا کے کسی اور شخص میں یہ ہمت پیدا ہوگا کہ یہ بھی یہ کام رپیٹ کرے۔ اور ہم یہ بھول نہیں سکتے ہیں کہ آن دا 9th of April 3rd 2022 عمران خان اینڈ ہز کو کنسپریٹرز وائلیٹڈ دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان، undermined the constitution of Pakistan, abrogated the constitution of Pakistan in the only legitimate means for peaceful of transfer of power. ہم سمجھتے ہیں اس کنسپریسی میں جو ڈیپوٹی اسپیکر کی کرسی پہ بیٹھا تھا، جو صدر پاکستان موجود ہے، اور جو سابق وزیر اعظم ہے، وہ اس کنسپریسی میں ملوث ہے، اور ہم پارلیمان سے ایکسپیکٹ کریں گے، ہم اسپیکر صاحب سے درخواست کریں گے، ہم اپنا اتحادیوں سے درخواست کریں گے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ملک اور قوم کے سامنے آئین ٹوٹائے، آئین شکنی ہو، اور اس کو ہم کال آؤٹ نہ کریں، اس کا کوئی سزا نہ ہو، اس کا کوئی انویسٹیگیشن نہ ہو۔ تو پاکستان پیپلز پارٹی کا سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا یہ مطالبہ ہے، اور میں اس مطالبہ کے ساتھ اسلام آباد جا رہا ہوں۔
कि चाह ये स्पीकर का डोमेन का काम हो या किस जो जो भी लो बेहतर कंसेंसस का फैसला करे, हम इस हमला जो हमारा आईन पे हमला था, हमारा जमहूरियत पे हमला था, हमारा पार्लियामेंट पे हमला था, इसका तहकीकात होना चाहिए और मुल्क और कौम के सामने हकीकत ले आना पड़ेगा हमें कि वो उन रातों में, रात के अंधेरों में क्या हुआ और किस तरीके से पाकिस्तान की आईन के साथ खेल खेला गया, पाकिस्तान की जमहूरियत के साथ खेल खेला गया। जिस तरीके से खान साहब आज अपना सियासत कर रहा है, खान साहब का सियासत झूठ पे मबनी है, खान साहब की सियासत प्रोपेगेंडा पे मबनी है, खान साहब का जो मुहिम इस वक्त वो चला रहा है वो मुझे क्यों नहीं बचाया का मुहिम चला रहा है, और हर उस इदारा खान साहब की बंदूक के निशिस्त पे हैं जो वो समझते हैं कि उसको बचाना चाहिए था, चाहे वो गैर आइनी तरीके हो, चाहे वो गैर कानूनी तरीके हो, मगर उन्होंने नहीं बचाया। हम तो सलाम पेश करते हैं सारे इदारे को जो माजी में एक शख्स की वजह से 2018 के इंतराखाबात की वजह से, हमारा तारीख की वजह से पाकिस्तान का पार्लियामान एक मुतनाजा अदारा बन चुका था, पाकिस्तान का अदलिया एक मुतनाजा अदारा बन चुका था, पाकिस्तान का एस्टैब्लिशमेंट एक मुतनाजा इदारा बन चुका था, और ये इसी एक शख्स की अना की वजह से, ये इसी एक शख्स की वजह से हमारा मुल्क के तमाम इदारे मुतनाजा बन चुके थे। और अगर ये फैसला किया गया है कि हमने कॉन्ट्रोवर्शियल इदारे से आईनी इदारे का ट्रांजिशन करना है, जो हमें नजर आ रहा है कि एक फैसला, अमली फैसला किया गया है कि पाकिस्तान के सारे इदारे अपने दायरे में रह के काम करेंगे, कानून के दायरे में रह के काम करेंगे, आईन के दायरे में रह के काम करेंगे, तो जहां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो पहला जमात होता है कि जब भी कोई इदारा अपना दायरा के बाहर आके काम करते तो हम सबसे पहले जमात होता है जो तंकीद करते हैं। अब इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सफ़े अव्वल का किरदार होगा, और हम जब भी हमारे इदारे, जो भी वो इदारे हो, वो आईनी ट्रांजिशन की तरफ बढ़ रहे हो, तो ना सिर्फ पीपल्स पार्टी, हर पाकिस्तानी का फर्ज है, हर पाकिस्तानी का फर्ज है कि हम अपने इदारों से ये उम्मीद रखें, ये मुतालबा यकीन रखें कि वो आईनी रोल अदा करेंगे, वो मुतनाज़ा रोल अदा नहीं करेंगे। ये भी एक बहुत बड़ी कामयाबी है आपका जिद्दोजहद का, आपका स्ट्रगल का, कि पाकिस्तान को ये उम्मीद की किरण नजर आ रहा है कि हम ये ट्रांजिशन मुकम्मल कर सकते हैं कॉन्ट्रोवर्शियल इदारा से लेके हम आईनी इदारे की तरफ भर सकते हैं। और खान साहब का जो कोशिश था कि सारे इदारे को अपना टाइगर फोर्स में तब्दील किया जाए, उसका वो कोशिश शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह नाकाम हो चुका है। अभी उसका साजिश जारी है, अभी वो कभी एक दिन इलेक्शन कमीशन को तंकीद करता है तो दूसरी दिन अदालत के पीछे पड़ जाते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यकीन रखती है कि ये जो ट्रांजिशन शुरू हुआ है, ये ट्रांजिशन मुकम्मल भी हो जाएगा, और पाकिस्तान की तरक्की, पाकिस्तान की रोशन मुस्तकबिल इसी कामयाब ट्रांजिशन से जुड़ी हुई है। मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नुमाइंदगी करते हुए पिछले कुछ दिनों में लंदन पहुंचा था, जहां मुस्लिम लीग का कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साहब के साथ मेरा और मेरा डेलीगेशन का इंटरेक्शन हुआ है। हमने एक मीटिंग उनके दफ्तर पे किया था और दूसरा मीटिंग मियां साहब ने हमें इफ्तारी के लिए अपने घर बुलाया था। मैं समझता हूँ कि ये जो पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान री एंगेजमेंट हुआ है, ये मुल्क कौम और जमहूरियत की मुफाद में है। जो हमने अहम फैसले लिए हैं जिस पे हम अब इंशाल्लाह ताला आगे भर के मिल के काम करेंगे, उनमें एक जो हमारा नामुकम्मल मिशन है कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को हमने मुकम्मल करना है, उस पे इंशाल्लाह ताला गौर किया जाएगा। और जो हमने एक नया चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे जो कंसेंसस पैदा करना है, उस पे भी काम इंशाल्लाह ताला जल्द ही शुरू हो जाएगा। हम समझते हैं कि हमने अगर ये कॉन्ट्रोवर्शियल से कॉन्स्टिट्यूशनल तक का ट्रांजिशन को मुकम्मल करना है, तो सारे जमातों ने
अपना जिम्मेदाराना किरदार अदा करना है, अब से अपने जात से आगे देखना है, आगे सोचना है कि मुल्क के मुफाद में, कौम का मुफाद में क्या है, और उस तरीके से इंशाल्लाह ताला अगर हम अपना इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग करें तो वही तरीका है कि हम पाकिस्तान के मसाइल का हल निकाल सकते हैं। हमने ये इसलिए ज़रूरी है कि हमने तो खान साहब को, ये सिलेक्टेड निज़ाम को तो ख़त्म कर लिया, इमरान को पता नहीं वो कब ख्वाब देख रहा था कि वो बैठता रहता है इस कुर्सी से, लेकिन हमने 4 साल के अंदर ही अंदर उसको घर भेज दिया। लेकिन उस 3-4 साल में जो इमरान और ये सिलेक्टेड निज़ाम ने नुकसान पहुँचाया है पाकिस्तान की जमहूरियत पर, जो नुकसान पहुँचाया है पाकिस्तान की मईशत को, जो पाकिस्तान की इंटरनेशनल स्टैंडिंग को नुकसान पहुंचाया गया है, वो नुकसान वहीं का वहीं है। और हमने जंगी बुनियादों पे उन नुकसानों का इलाज निकालना है। हमने सब मिलके अपना किरदार अदा करना है ताकि हम इन मसाइल का हल निकाल सकते हैं। तो जहां एक अहम किरदार है चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का इन 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 मसाइल से निकलने के लिए, जहां एक अहम किरदार है सारी सियासी जमातों का मिल बैठने का इस मुश्किल से निकलने के लिए, वहीं हम समझते हैं कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स बहुत ज़रूरी हैं। जैसे आपको पता है हमारा लॉन्ग मार्च हो, हमारा ये स्ट्रगल हो, तो मुसलसल हमारा ये मौकफ, हमारा ये मकसद कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। इसलिए हम चाहते हैं कि साफ़ व शफाफ इलेक्शन हो। साफ व शफाफ इलेक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है कि 2018 का सिलेक्शन का रिपीट ना हो। उसको कामयाब करने के लिए, उस मंजिल पर पहुंचने तक, उस मंजिल पर पहुंचने के लिए जो कंट्रोवर्शियल से कॉन्स्टिट्यूशनल तक ट्रांजिशंस है वो अपनी जगह बहुत ज़रूरी है। जो हमले, जो नुकसान खान साहब ने इलेक्शन सिस्टम पे किया है, इलेक्शन कमीशन के के पर काटने की कोशिश किया है, सबसे पहले हमने वो वी हैव टू अनडू द डैमेज डन बाय इमरान खान टू आवर इलेक्टोरल सिस्टम, एंड वी हैव टू वर्क टुगेदर ऑन बिल्डिंग अ कंसेंसस फॉर न्यू इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। तो इंशाल्लाह ताला उन दोनों पहलुओं पे, इमरान खान का नुकसान को खत्म करना और आगे जाके मजीद क्या इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हमने करना है, उस पर इंशाल्लाह ताला हम सारे सियासी जमातों के साथ मिलकर काम करेंगे। आपको याद होगा कि माजी में ये कहा जाता था कि पहले क्या कहते थे, पहले एहतसाब फिर इंतखाब। हम कह रहे हैं कि पहले इस्लाहात फिर इंतखाब। और हम समझते हैं कि जमहूरी इस्लाहात, इलेक्शंस रिफॉर्म का इस्लाहात बहुत ज़रूरी है ताकि हम साफ व शफाफ इलेक्शंस की तरफ बढ़ सकते हैं, ताकि हम अवाम को मौका दे सकते हैं कि वो अपने नुमाइंदे खुद चुनें। एंड जब वो अपने नुमाइंदे खुद चुनेंगे, उनके ऊपर एक सिलेक्टेड नुमाइंदा मुसलत नहीं होगा, तो फिर हम पाकिस्तान को असल तरीके से इन सारे मुश्किलात से निकाल सकते हैं। आखिर पॉइंट में अभी मुकम्मल कर रहा हूँ, फिर आप ही की तरफ आ रहा हूँ। जो पाकिस्तान की तारीख में शायद ये माजी में ऐसे एक्सपीरियंस नहीं रहा, हमें ये अंडरस्टैंड करना चाहिए कि ये एक आम कोएलिशन गवर्नमेंट नहीं है। हमने सब ये दिस इज नॉट एज एन आउटकम ऑफ इमीडिएटली आफ्टर एन इलेक्शन, दिस यूनिटी गवर्नमेंट इज अ रिजल्ट ऑफ द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान दैट पार्टीज ऑन द ऑपोजिशन बेंचेस आर लीविंग द ऑपोजिशन बेंचेस एंड गोइंग टू द ट्रेजरी बेंचेस। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है गिवन द कंडीशन एंड गिवन द सिचुएशन विद इन पाकिस्तान, एंड एवरीबडी मस्ट प्ले देयर रोल, मस्ट शेयर दिस बर्डन सो दैट वी कैन रीच आवर एम्स। और मैं समझता हूँ कि जिस अंदाज से और जिस तरीके से शहबाज शरीफ साहब ने अपना मेडन स्पीच में चंद बातें की, वो एक फ्रेश एक फ्रेश एयर था पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के अवाम के, कि एक सोबर रिस्पॉन्सिबल आदमी को ये जिम्मेदारी मिला है कि वजीर आजम का ओहदा संभालने का, लीडर ऑफ द हाउस का ओहदा संभालने का, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नज़र से जो बातें उस स्पीच में किए गए, हम इसलिए उनको वेलकम करते हैं कि हम खुद इतना देर से जिद्दोजहद कर रहे थे इनके। आप सबको मालूम है कि जब
शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की डर की वजह से इन्होंने बेनज़ीर कार्ड से बेनज़ीर का नाम हटा दिया। इससे ज्यादा भर के क्या किया, ना सिर्फ शहीद बीबी का नाम हटा दिया मगर वो गरीब औरतें जो इस प्रोग्राम से फायदा लेते थे इतना इंतकाम किया इन्होंने कि इन्होंने वो 1000 रुपया जमा करने वाले गरीब औरत को नहीं छोड़ा और उनके हाथ से भी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की पेमेंट छीना था। जिस तरीके से इंशाल्लाह ताला ये सारे जुल्म हम दुरुस्त करेंगे, वैसे ही हम जो जुल्म बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के बेनिफिशरीज के साथ हो रहे थे वो जुल्म भी हम दुरुस्त करेंगे। जब मैंने सुना कि शहबाज़ शरीफ साहब ने कहा कि मिनिमम वेज को हम 25,000 रुपीज़ पे लेकर आएंगे, तो आप सबको याद दिलवाना चाहूँगा कि किस तरीके से और किस अंदाज से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बड़े बिजनेस इंटरेस्ट से लड़ा, बड़े बड़े लोगों से लड़ा कि मिनिमम वेज तो आप तय करें, हमें इजाफा करने दे, आम आदमी का इस मुश्किल हालात में कोई ना कोई फ़ायदा पहुँचाए। हमने किस तरीके से किस अंदाज से 3-4 बजट स्पीचेस में एहतजाजों में पेंशनर्स के लिए आवाज़ उठाए। तो जब शहबाज़ शरीफ साहब ने ऐलान किया कि 10% इजाफा होगा, चले जितना भी हो इजाफा तो एक बार फिर हो रहा है, तो इसी तरीके से हम उम्मीद रखते हैं कि मिल के कभी कभार जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्रायोरिटीज़ है उन पे हम अमल कर सकते हैं, जो दूसरी जमातों का प्रायोरिटीज़ है उन पे भी अमल कर सकेंगे और मिलजुल के हम पाकिस्तान के मसाइल का हल निकाल सकते हैं। एक बड़ा न्यूज़ में दे रहा, आखिरी पॉइंट जो मेरा था वो आपके लिए न्यूज़ था, आखिरी पॉइंट। तो मैं इसलिए ये सारी चीज़ें को वेलकम कर रहा हूँ कि मैं समझता हूँ कि मिल के काम करने से ही हम मिसाइल के हल निकाल सकते हैं और ये मुमकिन नहीं है कि किसी एक यकतरफा फैसले किया जाए, हदायत दिए जाए और उस पर अमल हो, ये एक अच्छा इब्तदाई स्टार्ट है। इन कंक्लूजन जो मैंने आखिरी पॉइंट आपसे शेयर करना था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ना सिर्फ ये सारे जो इशूज़ मैंने आपके सामने रखे हैं उन पे अपने राय दिया है, ये ज़िम्मेदारियाँ कबूल किया है, लेकिन हमने ख़ुद ये ज़िम्मेदारी कबूल किया है कि इंशाल्लाह ताला कल मैं इस्लामाबाद पहुँच के अपना ओथ लेके वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ और हमारा एलाइज के यूनिटी गवर्नमेंट का हिस्सा इंशाल्लाह ताला ख़ुद बनूँगा ताकि हम मिल के पाकिस्तान के मसाइल के मिसाइल का हल निकाल सके। बिल्कुल, थैंक यू फॉर क्वेश्चन। जहाँ तक आयन शिकनी की बात है, ये तो बहुत ज़रूरी है, इससे कोई ताल्लुक नहीं रखता कि कौन बैठा है और कौन माजी का अहदेदार है। आयन शिकनी पाकिस्तान का सबसे बड़ा जुर्म है और अगर आयन शिकनी हुआ है, जो कि हमारा ख्याल में हुआ है, ये हमारा इन्वेस्टिगेशन को उसको पॉइंट आउट करना पड़ेगा कि कौन कौन इसमें मुलव्वस थे, किस किस का क्या किरदार था और उसके मुताबिक जो भी यूनाइटेड अपोजिशन का फैसला होगा और उस पर हम अमल करेंगे। जहाँ तक MQM के साथ हमारा मुतायदे हैं, अगर मेरे सामने होता अच्छा होता ताकि मैं आपको उसको दोहरा सकता। कुछ जहाँ तक हमारा सूबाई अग्रीमेंट है, मैं समझता हूँ कि इसमें ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जिस पे मैंने पहले से आपसे बात नहीं की हो या मैंने पहले आपसे ये राय नहीं शेयर किया हो कि हमने मिल के इन इश्यूज़ का हल निकालना है। जो सबसे पहले पॉइंट उसमें था हमारा लोकल बॉडीज़ एक्ट के बारे में, तो ऑब्वियसली अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ख़ुद समझती है कि हमें अपना लोकल बॉडीज़ के निज़ाम में बेहतरी लेकर आना है और अगर हमने ये रिसेंट रिफॉर्म किया था, तो दैट इज़ एन इंडिकेशन दैट वी फेल्ट कि जो पिछले निज़ाम था, और बाय द वे वो पिछला निज़ाम में मैंने उस वक्त तक मैं इन चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं था और वो पिछले निज़ाम सब सियासी जमातों ने मिलकर बनाया था, जो कि अब कह रहे हैं कि बहुत ही कमज़ोर है।
लेकिन हम अग्री करते हैं कि उस निज़ाम में बेहतरी की गुंजाइश था, यही वजह था कि हमने अपने रिफॉर्म्स लेकर आए। उस वक्त भी मैंने चाहा कि उस पर सारे स्टेक होल्डर्स का इनपुट हो। अब इंशाल्लाह ताला इन लाइट ऑफ द गुजार जजमेंट, जो कि हमने चैलेंज नहीं किया, अगर हम वो जजमेंट को कबूल नहीं कर रहे थे तो अब तक सिंध हुकूमत उसको चैलेंज करते। हमारा इरादा नहीं था कि हम सुप्रीम कोर्ट का फैसला को चैलेंज करते। हमने हमेशा अदलिया को रिस्पेक्ट किया है, हमने हमेशा सुप्रीम कोर्ट के फैसले को माना है। तो इन लाइट ऑफ दैट डिसीजन, जो मज़ीद इम्प्रूवमेंट्स होना है हमारा लोकल बॉडीज़ के निज़ाम में, उस पर उनके बातचीत चल रहा है, और मुझे उम्मीद है कि एक्सपेक्टेशन है कि जल्दी उस पर हम अमल दरामद करेंगे। वैसे ही दूसरे पॉइंट्स हैं उस जॉइंट डिक्लेरेशन में, और वो हमारा जॉइंट मकसद है, हमारा सबका फ़ायदा है कि हम उस पर अमल कर सकें। जो भी मसला हो, चाहे वो यहाँ हमारा सूबा का हो, या यहाँ हमारा कैपिटल सिटी का हो, या वफाक का कैपिटल सिटी का, अगर हम मिलके काम करते हैं तो बेहतर मसाइल का हल निकाल सकते हैं। अपने अपने कोशिश कर तो सकते हैं, लेकिन उसमें कामयाबी का जो कामयाबी है वो ज़्यादा इम्कान है अगर हम मिलके वो मेहनत करते हैं। और ये बहुत अच्छा स्टार्ट है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमने एक अच्छा नीयत के साथ इस एग्रीमेंट में दाखिल हुए हैं, और हम सब मिलके एफर्ट करना पड़ेगा ताकि ये पोर्शन भी पूरा हो। दूसरा मेरा सवाल ये है कि मुल्क में एक सियासी इंतशार और अनार्की की तरफ बढ़ाया जा रहा है, खासतौर पर धमकी आमेज अल्फाज इस्तेमाल हो रहे हैं और खाना जंगी की बातें हो रही हैं। आज इमरान खान ने एक बड़ी बात कह दी कि फिलहाल एमएनए अगर अपने इलाके में जाए तो मैं देखना चाहूँगा कि लोग उनके साथ क्या रिएक्ट कर रहे हैं। तो सर, ये रियासत कहाँ है, रियासत की रिट कहाँ है? तो इस तरह अगर नहीं रोका गया तो जहाँ तक खान साहब के बयानिया की बात है, आपने पिछले 4 साल भी ये देखा और माजी में भी देखा कि खान साहब की बयानिया में कभी सच नहीं होता। वो उनके लिए सच ज़रूरी नहीं है, वो फिर भी अपने बात करते रहते हैं। जहाँ तक हमारा इंटरनेशनल स्टैंडिंग है, उसको काफ़ी नुकसान हुआ है इस किस्म की हरकत से। तो जहाँ हमने बिल्कुल, चाहे वो जिस किस्म का इंक्वायरी हो, वो तो कंसेंसस जो भी होगा हमारा एलाइज का, सब मिलके वो फैसला अपनी जगह, लेकिन दूध का दूध पानी का पानी होना पड़ेगा। अवाम के सामने इंशाल्लाह ताला हम सारे फैक्ट्स लेकर आएंगे, जो मुनासिब फोरम है, जो मुनासिब तरीक़ेकार है, उसी तरीके से ये फैसले किए जाएंगे। माजी में तो JITs बने हैं, और उन JITs पे सारे इदारे जिनका ज़िम्मेदारी है इन चीज़ों को देखना, उन सारे के नुमाइंदगी मौजूद होता है। जुडिशल कमीशन में मेरा ज़ाती कोई एतराज़ नहीं होगा, लेकिन सवाल तो बनता है कि अगर खान साहब को आज जुडिशल कमीशन याद आ रहा है, तो जाते हुए उसने जुडिशल कमीशन क्यों नहीं बनाया, उसने कोई और कोशिश किया था? हम इस पे खान की तरह सियासत नहीं करेंगे। हम समझते हैं कि हमारा फॉरेन ऑफिस को, हमारा इंटरनेशनल स्टैंडिंग को नुकसान पहुंचाया गया है। जैसे हम अपना ज़िम्मेदारी अपनाएंगे, अदा करेंगे, हम इस इशू को ज़रूर देखेंगे, और जो भी इम्पार्शल फेयर तरीका होगा इस इशू से डील करने के लिए, वही अपनाया जाएगा। खान के डिक्टेशन पे अब कुछ नहीं चलता, तो वो ना इधर हमें डिक्टेशन दे सके। एक मिनट संजय, एक मिनट। दूसरा पहलू है इसका सवाल का, उस पर मैं आना चाह रहा हूँ। जहाँ तक अवाम में मकबूलियत की बात है, मैंने इंशाल्लाह ताला हमारा ये इलेक्शन रिफॉर्म्स हो जाए, खान साहब जो जब वो वफाक में था, सूबाई हुकूमत भी साथ थे, तब वो ना बाय इलेक्शन जीत सकता था, ना दूसरे इलेक्शंस जीत सकता था। अब अगर वो सोचता है कि वो अपोजिशन में रह के
جھوٹ کی بنیاد پہ جیت سکے گا، یہ اس کی غلط فہمی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کا اور عمران خان صاحب کا یہ بہت غلط فیصلہ ہے کہ انہوں نے پارلیمان سے بھاگے ہیں۔ بھاگتے بھاگتے تو انہوں نے آئین شکنی کی، لیکن میدان نہیں چھوڑا جاتا ہے، میدان میں رہ کے اپنا ذمہ دار کردار ادا کیا جاتا ہے۔ خان صاحب کو نہیں ڈرنا چاہیے، گھبرانا نہیں ہے، آئے واپس پارلیمان میں، آئے بیٹھے قائد اعظم پہ اختلاف کی کرسی پہ، آئے اپنا کردار ادا کرے، پارلیمان کو نہ چھوڑے، جمہوریت میں یقین رکھے۔ جمہوریت بہترین انتقام ہوتا ہے۔ عمران خان صاحب اگر آئین پہ یقین کرے گا، جمہوریت پہ یقین کرے گا، پاکستان کے عوام پہ بھروسہ کرے گا، تو آپ نے مہاتر محمد کو نہیں دیکھا 90 سال میں؟ اگر وہاں کا کسی دوسرا ممالک کے وزیر اعظم یا صدر بن سکتا ہے، تو پاکستان میں بھی ممکن ہے کہ 90 سال کا آدمی واپس آ کے وزیر اعظم بنے، لیکن جمہوری طریقے سے، آئینی طریقے سے۔ جیسے آپ نے کہا، سول وار تو اس کی بس کی بات نہیں ہے، اور سیگل ٹو تھرو اراؤنڈ دا ورلڈ سول وار از ناٹ کسی جوک نہیں ہے۔ ہم کراچی میں پیدا ہونے والے ہیں، کراچی کی نے جو وائلنس، جو مشکلات دیکھے ہیں ہم ماضی میں، ہم اس قسم کا وائلنس ملک بھر میں نہیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ مگر خان صاحب کو انشاءاللہ تعالی جیسے ہی ہم الیکٹورل ریفارمز کا بندوبست کریں گے، تو انشاءاللہ تعالی اس کو لگ پتہ جائے گا کہ لیول پلینگ فیلڈ کا الیکشنز کیا ہوتا ہے، لیول پلینگ فیلڈ کے الیکشنز میں اس کا حیثیت کیا ہے۔ ابھی پاکستان کا پارلیمان سے ہم نے 172 تھپڑے پہنچا کے اس کو بگایا، اور انشاءاللہ تعالی جب یہ عوام فیصلے کریں گے تو پاکستان کے عوام بھی پی ٹی آئی کو ایسے خوب تھپڑ دے کے ان کو یاد دلوائیں گے کہ کس طریقے سے کہ آئینی حقوق پہ حملے ہوئے، معاشی حقوق پہ حملے ہوئے، کس طریقے سے وہ آدمی جس نے پاکستان کے عوام کو وعدہ کیا کہ وہ ایک نیا پاکستان بنائیں گے، دو نہیں ایک پاکستان بنائے گا، روزگار چھینے گا نہیں 1 کروڑ روزگار دلوائے گا، گھر توڑے گا نہیں 50 لاکھ گھر دلوائے گا، سارے جھوٹ تھے۔ ابھی تک پاکستان کے عوام نے حساب لینا ہے اس شخص سے جس نے ان کو اتنا تکلیف میں ڈالا ہے، جس کی وجہ سے ہم ایک معاشی بحران سے گزر رہے ہیں، جمہوری بحران سے گزر رہے ہیں، رول آف لاء کا بحران سے گزر رہے ہیں۔ خان صاحب کو غیر سیاسی تجویز پہ نہیں چلنا چاہیے، خان صاحب کو سیاسی اور جمہوری طریقہ کار کو اپنانا چاہیے، اور اسی میں پی ٹی آئی کا بہتری ہے اور اسی میں ملک کا مفاد ہے۔ میں سمجھتا ہوں، ایک تو میں اس طریقے سے ان چیزوں کو نہیں دیکھتا، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کسی ایک صوبہ سے دوسرے صوبہ سے چکرا ہے۔ ایک ایسا نظام مسلط تھا جو ہر صوبہ کا حق چھین رہا تھا۔ جب 18ویں ترمیم پہ عمل نہیں ہوتا، جب نیا این ایف سی اوارڈ نہیں دیا جاتا، تو وہ صرف سندھ کا نقصان نہیں، وہ پورا پاکستان کا نقصان ہے، وہ اتنا ہی نقصان ہے پنجاب کا جتنا سندھ کا ہے۔ جہاں تک سندھ کے مسائل ہے، وہ یہ واحد صوبہ ہے جو ریزسٹنس کا صوبہ رہا ہے پچھلے 4 سال۔ خان صاحب کے وزیر ریکارڈ پہ کہ عمران کا ایجنڈا میں اگر کوئی رکاوٹ ہے تو وہ مراد علی شاہ صاحب کا سی ایم سندھ تھا، اور جو خان صاحب کے سندھ دشمن صوبائی صوبے کے دشمن، ناٹ جسٹ اس وزن جو سندھ دشمن، آپ شاید صرف ادھر رہ کے اس کو اس طریقے سے دیکھ رہے ہیں، مگر حملے تو ہر صوبے پہ ہوئے۔ اس لیے میں یہاں بیٹھا ہوں تو میں اسپیسیفکلی سندھ کے عوام کے ایشوز پہ بولوں گا۔ ابھی بھی تھوڑی دیر پہلے میں نے یہی صوبہ کا کوشش تھا، سندھ صوبہ کا کوشش تھا کہ ہم اپنا منیمم ویج 25,000 روپیز رکھے، وفاق نے، دوسری قوتوں نے مل کے اس کو ناکام کیا۔ اب اس لیے ہم مل کے حکومت کر رہے ہیں، وہ جو ہمارا جوائنٹ کامیابی ہوگا کہ ہم وہ اس کا علاج نکال سکیں گے۔ جہاں تک آپ کا پانی کا مسئلہ ہے، آپ کا آئلینڈس کا مسئلہ ہے، آپ کا گیس کا مسئلہ ہے، آپ کے بہت سارے چیزوں کے مسئلے ہیں، اس کا حل اس میں نہیں ہے کہ ہم کسی ایک صوبے سے لڑیں، اس کا حل اس میں ہے کہ وفاق ہر صوبہ کو اہمیت دے،
इक्वली हमारा जो कंसर्न्स है वो उनके सुने, और जो जायज़ जो तरीका है उसका इलाज निकालने के लिए वो भी कोशिश किया करें। जब चार साल से वज़ीर आज़म और वज़ीर आला के दरमियान एक वर्किंग रिलेशनशिप ना हो, चार साल के लिए वज़ीर आज़म एक किसी सूबा का वज़ीर आला का शक्ल पसंद ना करने पर ना मिले, ना बैठे, ना इनका मसाइल का हल निकाले, तो हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा कि हम सिंध के इस मसाइल का हल कोई निकले। लेकिन अब हमारा उम्मीद है, हमें उम्मीद है कि हम इस हुकूमत के साथ मिल के काम कर सकते हैं, और जो हमारे जायज़ मुतालबात है, ना सिर्फ सिंध के जो इश्यूज़ है, जो पख्तूनख्वा, जो बलोचिस्तान, जो पंजाब के जो इश्यूज़ रिजेक्ट सॉर्ट ऑफ रेलीगेटेड हुए हैं पिछले तीन चार साल से, हमारा एक तरीका है कि हम अब इन इश्यूज़ का हल निकाल सकते हैं। और ये पहली दफ़ा होगा कि नॉट पहली दफ़ा पर एक लंबे अरसे बाद एक ये सिलसिला होगा जहाँ वफाक सूबा और लोकल बॉडीज तक मिल के एक चेन बनेगा जिससे हम मिल के काम कर सकेंगे। और जब मिल के आप काम करते हैं तो मसाइल का हल निकलते हैं। हमने लड़के भी सिंध का हक का दिफा किया, सारे सूबे के हक का दिफा किया। जब भी कोई हमला हुआ तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तंजीम या मैं खुद सड़कों पर थे, पार्लियामान में इनको लड़कार रहे थे, केसेस उनके खिलाफ अगर हमने सिबित ही नहीं लेकिन कोर्ट्स में कोशिश किया। अब आपका फ़ायदा ये होगा कि आपका बात सुना जाएगा, आपको कमरा में आपका आवाज़ होगा। चार साल के लिए आपको कमरा के बाहर बंद किया गया था, आपका हर जायज़ कंप्लेंट को इग्नोर किया जाता था, जो पानी के नाइंसाफ़ी जो की तकसीम है, मुतनाज़ा इशू है, उसको डील करने के लिए एक मौका है। लोअर रिपेरियन का जो हक है, जो मसाइल है, उसको एक मौका है कि हम उनको एड्रेस करें, उनको देखें। लेकिन मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ही ज़्यादा, और आपको बहुत ज़्यादा, आपको पता ही है कि कितना ज़्यादा मसाइल है। अगर हम मिल के काम कर सकते हैं, जो काम पिछले तीन चार साल में इस वजह से नहीं हो रहा था कि वफाक और सिंध कर रहा है, उम्मीद है कि अब जब वफाक और सिंध एक पेज पे हैं, उसकी वजह से आपके काफ़ी मसाइल भी हल होंगे। और हमारा ये कोशिश होगा कि मुल्क भर में जो नाइंसाफ़ी बलोचिस्तान के साथ, जो नाइंसाफ़ी अपना सूबा पख्तूनख्वा के साथ हुआ, जो नाइंसाफ़ी पंजाब के साथ हुआ, वो भी दुरुस्त किया जाए। आपको मालूम है कि वही लोग जो पख्तूनख्वा का हाइड्रल पावर प्रोजेक्ट्स के बात करते थे जब वो अपोजिशन में थे, हुकूमत में आके वो बात भूल चुके। जो सूबे के वसाइल का मालकी की बात है, वो चीज़ें वो भूल चुके थे। मैं ये नहीं प्रॉमिस कर सकता हूँ कि ये चंद अरसा में या इलेक्टोरल रिफॉर्म्स जब तक मुकम्मल हो, हम सिंध के सारे मसाइल हल कर सकें, लेकिन मेरा उम्मीद है कि इस कम अरसे में हमारा परफॉर्मेंस बेहतर होगा। इसलिए वफाक हमें साथ साथ सैबोटेज नहीं करना होगा, और ये तरीका यही होना चाहिए कि जो भी हुकूमत में हो, जो भी जमात से आप ताल्लुक रखें, आपका एक वर्किंग रिलेशनशिप होता है, आपका एक जिम्मेदारी होती है बहैसियत आपका एज अ रिजल्ट ऑफ योर जॉब डिस्क्रिप्शन। और वज़ीर आज़म जब खान साहब था, वो अपना जॉब डिस्क्रिप्शन पूरा करने के लिए तैयार नहीं था। मुझे ये बहुत खुशी की बात था कि वज़ीर आज़म ने, नौ मुंतखब वज़ीर आज़म ने फौरन कराची आके कायद के मज़ार पे अपना रिस्पेक्ट्स पे करके वज़ीर आला हाउस आके हमारा तीन चार साल के जो मुख्तलिफ इश्यूज़ है वो उधर उठाया गया, और हमें उम्मीद है कि मुख्तलिफ इश्यूज़ पे वो हमें सपोर्ट भी करें। आपका वो वीडियो जो कॉन्फ्रेंस थी हमने देखी, यहाँ पर कट कट के आ रही थी, आपने आप नहीं थे तो कट कट के वहाँ पर आपकी जो मुलाकात हुई, क्योंकि आपने मियां साहब को कहा कि आप वतन आ गए वापस, हम जी एक छोटा सा और दूसरा ये कि इमरान खान ने कहा था कि जब मुझे निकाला जाएगा तो मैं खतरनाक हो जाऊँगा, तो वो क्या वाकई खतरनाक हो? जहाँ तक मियाँ साहब का वापसी है, ऑब्वियसली वो नून लीग का फैसला है। हमने ज़रूर इस ख्वाहिश का इजहार किया कि जब भी मुनासिब हो, जब अगर जब मियाँ साहब वापस आए तो वो मुल्क का फ़ायदा में ही होगा। इसलिए हमने सब मिलके मेहनत करना, सब मिलके मेहनत करना है, और इंशाल्लाह ताला वो जब भी वो फैसला करेंगे, वो उनका अपना फ़ैसला होगा और हम उसको सपोर्ट करेंगे। जहाँ तक खान साहब हैं, मैं
پھر بھی خان ایک بار پھر خان صاحب کو دعوت دیتا ہوں, تجویز دیتا ہوں کہ آئے اب بڑے بڑے خطرناک آدمی آئے اور پارلیمان میں آ کے آپ خطرناک اپوزیشن کرے, سڑکوں میں جا کے ادھر اس طریقے سے پھرنے سے آپ اپنا آپ اپنے لوگوں کی نمائندگی نہیں کر رہے ہو, آپ پارلیمان میں آ کے اپنی نمائندگی کر سکتے ہو, پارلیمان کے باہر رہ کے جو ہے اب اپنا کیس کو بھی کمزور کرتے ہو, پارلیمان کو بھی کمزور کرتے ہو, اور اس کا نہ ملک کا فائدہ ہے نہ پی ٹی آئی کا فائدہ ہے. اگر اس نے خطرناک ہونا ہے اور پی ٹی آئی کے لیے خطرناک ہونا ہے تو اسی آپ پالیسی پہ رہیں اور کام کرتے رہیں, ہم دیکھتے رہیں گے. جہاں تک آپ کا سندھ کا سوال ہے, میرا ہم سب کا پورا پاکستان کا اس پہ پالیسی کافی واضح ہیں, اور میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں میرا سگنیچر دکھائے, آپ میرا سگنیچر دکھائے کہاں میں نے اس قسم کی بات کو سپورٹ کیا. ہر پارٹی کا اپنا اپنا رائے ہو سکتا ہے, یہ ہمارے لیے اور اس صوبے کے عوام کے لیے شاید مناسب طریقہ کار نہیں ہوگا, اور ایک اس قدم سے مزید پولرائزیشن along ایتھنک لائنز بھر سکتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ان سارے مسائل کا حل یہ ہے کہ ہمارا جو لوکل باڈیز نظام ہے وہ مزید ان کو طاقت ملے, مزید بہتری اس میں آئے, اور لوکل سطح پہ لوکل طریقے سے لوگ لوکل باڈیز کے نظام کے تھرو اپنا مسائل کے حل کرے. ویسے اس قسم کا سجیسٹن سے فردر پولرائزیشن اور فردر سر مسئلے پیدا کر سکتے ہیں. جہاں تک آئی ڈونٹ نو اباؤٹ اینی ملک صاحب کانورسیشن جو جس کا آپ ذکر کر رہے ہو, لیکن آئی ایم آن دا ریکارڈ, میں ریکارڈ پہ آیا ہوں, میڈیا پہ بھی آیا ہوں, پارلیمان پہ کے فلور پہ تقریر کیا ہوں کہ وی ور اپروچڈ اینڈ وی ور کنسسٹنٹلی اپروچڈ بائی پی ٹی آئی, بائی پی ٹی آئی منسٹرز ٹو ٹیک بیک آر ووٹ آف نو کانفیڈنس, بچکانہ سجیسشنس, ان کے ساتھ مل کے حکومت کریں, ان کے ساتھ مل کے عدم اعتماد واپس لے کر. ایسے تو میں سمجھتا ہوں غیر سیاسی جو تجویز دیا جا رہا تھا خان صاحب کو, وہ صرف غیر سیاسی تجویز لے رہا تھا, کسی کا سیاسی تجویز پہ یقین نہیں رکھتا تھا. ہم نے موقع دیا خان صاحب کو, آپ سب گواہ ہے, 27 فروری سے لے کے مارچ 8 تک ہم نے کراچی سے لے کے اسلام آباد تک کا سفر کیا, اور شہر شہر میں یہ بات اٹھایا کہ ہمارا پہنچنے سے پہلے تو استعفیٰ دو, اسمبلی توڑو, آئے ہم مقابلہ کرتے ہیں. اس وقت پر غور نہیں کیا, اس وقت پہ کوشش نہیں کیا, اور اٹس ٹو لٹل ٹو لیٹ کہ جس طریقے سے انہوں نے کوشش کیا. ان فیکٹ جب ان کا یہ پورا سلسلہ چل رہا تھا تو اس نے آئین شکنی بھی کیا ہے, ہمارے پارلیمان سے بھاگتے بھاگتے آئین توڑا ہے, اور اس کا ہم حساب لیں گے. غلطی عمران کا ہے کہ وہ جمہوریت پہ یقین نہیں رکھتا, پارلیمان میں یقین نہیں رکھتا, اور 4 سال اس کا یہ کوشش تھا کہ ہر ادارہ کو پاکستان میں, پاکستان کا ہر ادارہ کو اپنا ٹائیگر فورس میں تبدیل کیا جائے, چاہے وہ ہمارا الیکشن کمیشن پہ حملہ کر رہے تھے, چاہے وہ جوڈیشری پہ حملہ کر رہے تھے, چاہے وہ ہمارا پارلیمان کو پارلیمان کے اندر پارلیمان کے باہر سے حملے کر رہے تھے. اور یہ ایک بہت پازیٹیو سائن ہے پاکستان کی جمہوریت کے لیے, پاکستان کی وفاق کے لیے, کہ ہم ان متنازع قدم سے آگے بڑھ رہے ہیں, اور ہم کسی ایک شخص کی وجہ سے انشاءاللہ تعالی آگے جا کے کسی ادارہ کو متنازع نہیں بننے دیں گے. کیسے آج سے خیریت؟
देखो ये जहाँ तक इसी के साथ मैं मिक्स नहीं कर सकता, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है. जहाँ तक फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ स्पीच पे एक असूली मौकफ, मेरा अपना ज़ाती असूली मौकफ तो ये है कि यू शुड हैव फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड यू कैन डिसएग्री विद व्हाट समवन हैज टू से, बट दे हैव एवरी राइट टू देयर फ्रीडम ऑफ स्पीच. अनफॉर्चुनेटली वो जिस तरीके से और जिस अंदाज से एक वो तकरीर किया गया और जिस तरीके से वो आगे चला है, वो बहुत ही मुतनाज़ा बात बन चुका है. और तो उसमें मैं इस किस्म का sort of as a party position or as an official position जवाब नहीं दे सकता हूँ in that way. लेकिन I still strongly believe in my personal capacity that freedom of the speech of every individual is very important and everybody has a right to freedom of speech, and I will myself disagree with what they say. I will argue against what they have to say, but I'll always defend the right that everybody has a right for freedom of speech. But जो हमारा जो हमारे लिए इस माहौल में मुमकिन है कि हम अपने फ्रीडम्स में इजाफा करें, हमारा जमहूरी स्पेस में इजाफा हो रहा है, आपका मीडिया आज़ादी में इंशाल्लाह ताला इजाफी हो रहा है, जो पीका का फैसला आया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, ये भी एक बहुत अच्छा सिग्नल है. और आगे जाके जो बाकी मसले होंगे, जो बाकी इश्यूज होंगे जिस पे आपका कोई राय होगा, मेरा कोई राय होगा, आपका कोई और राय होगा, उस पे भी कोई कंसेंसस बन सकता है जिससे हम पूरा पाकिस्तान में मज़ीद पॉलिटिकल स्पेस एंड पॉलिटिकल फ्रीडम्स का हमारा गोल है. मैंने आप शायद आपके आने से पहले हमने इसी पॉइंट से शुरू किया था, और जो दहशतगर्दी का वाकया हुआ आज, उस पर हमने सख्ती से मजम्मत भी किए, इंशाल्लाह ताला उस पर एक्शन भी होगा. और हम समझते हैं कि ये मैंने पूरा इसको शुरू में जिस तरीके से कवर किया था उतना ही हमने मुकम्मल कवर किया. जहाँ तक फॉरेन पॉलिसी की बात है, इंशाल्लाह जल्दी आपको उस पे स्पेसिफिकली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस या प्रेस इंटरेक्शन मिलेगा जहाँ आप तस्वीर पे बात करेंगे. चेयरमैन साहब ये बताइएगा कि आप लोग मियां नवाज शरीफ से मुलाकात की है, कहा जा रहा है कि एक तो सदर का अहदा जो सदारती अहदा लेना चाहते हैं और चेयरमैन सेनेट भी जो है पीपल्स पार्टी लेना चाहती है, दूसरा जो है पंजाब के अंदर जो है सीट टू एडजस्टमेंट भी की जा रही है, क्या ऐसा कोई बनाया जा रहा है आपका? हम आपको काफ़ी अफवाह फैलाए गए थे मीडिया में कि मैं पता नहीं किस किस किस्म के मुतालबात लेने जा रहे थे, लेकिन जैसे आपको शायद अब तक पता हुआ होगा कि हमने सिर्फ चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे बात किया है, हमने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी 1 पे मुकम्मल करने की बात किया है, हमने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी 2 पे कंसेंसस बनाने की बात की है, हमने इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पे बात किए हैं, और हमने वो अज़म दिखाया है कि हमने मिल के मुल्क के मसाइल का हल निकालना है. जहाँ तक चेयरमैन सेनेट है, वो हमने अपना इलेक्शन भी लड़ा है और वो केस भी लड़ा है, वो हमारा अपना कोशिश जारी है. और जहाँ तक सदर पाकिस्तान है, वो नंबर्स बहुत मुश्किल है, और जो भी वो चैलेंज कबूल करेगा वो बहुत ही बड़ा चैलेंज होगा. तो इस पे हमारा जो फोकस था, हमारा जो मकसद था, वहाँ जाने का वजह था कि इतना बड़ा फैसला लिया जा रहा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग के दरमियान, कि हम ना सिर्फ इस यूनिटी गवर्नमेंट के हिस्से बन रहे हैं, मैं खुद अपना चेयरमैन ऑफ द पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इज जॉइनिंग देम इन दिस गवर्नमेंट. ये हमारा इरादा, हमारा नियत सबको दिखाता है कि हमने सब मिल के मुल्क को इस मसाइल से मसला से निकालना है. और जो वो सफ़र, चाहे वो चार्टर डेमोक्रेसी की सूरत में हो, COD 2 की सूरत में हो, या इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की सूरत में हो, देयर इज अ रिन्यूड कमिटमेंट टू कंटिन्यू दैट स्ट्रगल. और इंशाल्लाह ताला हम इस नया स्ट्रगल में कामयाब होंगे, ताकि जो गलतियाँ, जो मिस्टेक्स, जो मुश्किलात माजी में सब ने भुगते हैं, सब ने देखते हैं, आने वाले नस्ल को मुश्किलात को ना सहना पड़े. ओके.